हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और हो चुकी है सुबह, तो शुभ प्रभात मेरी प्यारी सी फैमिली। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और हर दिन की तरह मैं अपने किचन में बना रही हूँ चाय, और ये अदरक मैं मार्केट से मंगा ली हूँ, और आज अदरक वाली चाय है। एक ही टाइप की चाय बनाने में थोड़ा सा अलग लगता है ना, मतलब एक ही चीज़ रोज़, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम दूसरा चीज़ ऐड कर देते हैं। वैसे तो सच पूछे चाय तो सिर्फ अदरक और इलायची, यही दो चाय अच्छी लगती है। तुलसी के पत्ते डेली हम तोड़ते नहीं हैं, इसलिए उसको चाय हम उसकी ज़्यादा नहीं बनाते। कभी काढ़ा वगैरह बनाना है, किसी की तबीयत नहीं ठीक है तभी, नहीं तो अदरक इलायची की चाय ज़्यादा बनती है। तो चाय बनकर के रेडी हो गई है, आ जाइए। आप सभी भी मोस्ट वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग टी पे हमारे साथ, हमारे घर पे चाय पी लीजिए आप सब। और नाश्ते में हम बनाने जा रहे हैं आज पुआ। पुआ बनाने के लिए हम लिए हैं 2 कटोरी मैदा और लगभग 1 कटोरी के लगभग सूजी इसमें हम मिलाए हैं, मिक्स किए हैं। और ये छोटी इलायची है, इसको हम कूट करके पहले इसको इसमें मिक्स करना है मुझे। हरी इलायची जो होती है, किसी भी चीज़ में छोटी इलायची कूट करके पीस करके ऐड करने से उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी टेस्टी बन जाता है, ये तो सभी को पता है। और इसमें हम मिक्स कर देंगे। और हम कटोरी लेकर के तो बैठे नहीं थे, भूल गए थे कटोरी लेकर के बैठना, तो इसी में हम चीनी का एक नाप होता है ना कि हाँ कितना ऐड करना है, तो इसी से हम ले लिए। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, गरी, किशमिश, काजू, बादाम, छोहाड़ा है, थोड़ा थोड़ा काट करके हम रख लिए हैं, थोड़ा बहुत है घर में। बार बार वही बात हम बोलेंगे कि प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि ड्राई फ्रूट्स, बटर, घी, ये वाली बात हम पहले ही बोले हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा अगर कोई भी बोलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत तकलीफ़ होगी, बुरा नहीं लगेगा, तकलीफ़ होगी। क्योंकि आज तक सबको पता है, जो मुझे जानते हैं, आज तक मेरे पास इन सब चीज़ की कमी नहीं थी, मतलब बहुत नहीं था, पर ठीक चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और अभी भी आप सभी की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के प्यार की वजह से अभी भी ठीक ही है। तो और मुझे, मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, तो ये सब करने के लिए अगर हम रोज़ डेली रोना रोएंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब करने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए मुझे ये सब करना है, बस दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। मेवा खा लेने से मेरी तकलीफ कम नहीं हो जाएगी। तो इस बकबक में तो हम भूल गए, इसकी बैटर, एक फाइन बैटर तैयार करना था, ना ही ज़्यादा ठीक रहे, ना ही ज़्यादा पतला हो, और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाली बैटर तैयार हो जाए। और इस तरह से गैस पे कढ़ाई मेरी फाइंड ऑयल है ये, और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो पुआ कच्चा रह जाएगा, और बहुत ठंडा रह जाएगा तो मतलब कड़ा हो जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं बनेगा। इसलिए इसका ऑयल का गर्म मीडियम होना चाहिए, सिर्फ गर्म होना चाहिए। और उसके बाद पुआ ऐड करने के बाद धीरे धीरे आँच को तेज़ कर दीजिए, फ्लेम को तेज़ कर दीजिए, और तब पुआ फुली बनेगी, नहीं तो पुआ फूलेगा नहीं। और इस तरह से एक के बाद एक, 2, 3, 4 जैसे हम बना रहे हैं, इस तरह से एक एक भी बन सकता है, लेकिन उसमें लेट लगेगा ना। इस तरह से निकालते जाइए, इसमें ऐड करते जाइए और साइड में करते जाइए, तो अच्छे से बन जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा। और नहीं तो एक फ्लैट वाली आती है ना, उसमें भी पुआ बन सकता है। तो ये पुआ आप लोग देखिए कैसा बन रहा है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। और ये पुआ आप सब खा लीजिए, मेरी विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि पुआ खा कर बताइए कैसा लग रहा है। और साथ में ये मीठा मीठा हो गया, तो हम बनाए थे पराठा और आलू कुंडू की भुजिया, तो ये भी आप सब खा लीजिए। थैंक यू।